नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली अलग अलग क्लासेस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 से हाइड्रोकार्बन के एक टॉपिक जिसका नाम है एल्केन, एल्केन्स, और हम कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे टॉपिक्स मिलते रहे और आप इससे अपनी तैयारी कर सकें। ओके, अगर दोस्तों आपने जब तक आपका क्लास है तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से सब्सक्राइब करके चैनल से बाहर जा सकते हैं। ओके, अगर दोस्तों बिल्कुल ट्रूली अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो सके। ओके, तो दोस्तों बिना डिले किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ द टॉपिक इज़ द एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, ये चैप्टर भी हाइड्रोकार्बन से है, ये टॉपिक्स हाइड्रोकार्बन से है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एल्केन्स। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस। मीन्स एल्केन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ओके, हाउ मीन्स दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स नोन एज एल्केन्स। ओके, यही क्या कहलाते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। और जो सफिक्स होता है, द सफिक्स ऑफ एल्केन्स, और वी कैन से द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर व्हाट, सो एल्केन्स इज व्हाट, एन, इज इट क्लियर। मीन्स दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अगर दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बस डबल नहीं, ट्रिपल कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे। इसका जो सफिक्स आता है वो आता है एन। तो देखो, अगर हम क्या करते हैं, इफ टू कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, टू कार्बन मीन्स इथ ऑल आर सिंगल बॉन्ड, देन एन, देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथ एन। ओके, नाउ द वन मोर थिंग इज व्हाट, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज व्हाट, CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स, इज इट क्लियर। ये सिंपल चीजें हैं, इनको अभी से समझते चलना कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, डबल नहीं होना चाहिए, ट्रिपल भी नहीं होगा, सिंगल होगा, सिर्फ सिंगल होगा। कहीं भी देखो, C, सबके सब सिंगल होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे। ओके, नाउ अब बात आती है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर। तो प्रिपरेशन की बात आती है, प्रिपरेशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और द एल्केन्स। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्केन्स। तो एल्केन को एक तरीके से नहीं, एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर बाय डिफरेंट वेज। सो देयर आर सम मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। नंबर फर्स्ट बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। आई थिंक तुम लोगों को पता होगा, यू हैव ऑलरेडी नोटेड व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास टेंथ में हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो अभी समझ लेते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से हम कैसे बना सकते हैं। मीन्स when unsaturated hydrocarbon is heated with or is treated with
हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट सच एज निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम एट अ रूम टेम्परेचर कोमा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देन एल्केन्स विल फॉर्म्ड। समझ लो बेटा क्या होता है, ये होता है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम ट्रीट करते हैं या रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में, और रूम टेम्परेचर पर हो या फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो हमारे क्या बन जाते हैं, एल्केन्स बन जाते हैं। अगर रिएक्शन की बात आती है तो अनसैचुरेटेड का मीन्स डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ओके। तो दोनों रिएक्शन हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। When alkenes react with a hydrogen in the presence of nickel, platinum or palladium, then what? CH3 single bond CH3 will form. Is it clear? Single bond आ गया, तो जिसमें single bond होगा, अभी हमने just बताया था क्या होते हैं, alkenes होते हैं। तो दोनों के reaction में इसके presence में हमारा क्या बन गया, alkenes बन गया। CH triple bond CH अगर इसकी बात आती है प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें हमें एक्सेस हाइड्रोजन करना पड़ता है, कितना हाइड्रोजन एक्सेस, सेम निकेल प्लेटिनम एंड पैलेडियम, देन अगेन हमारा क्या बन जाता है, CH3CH3। अगर सिंपल हम ये करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमें फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है प्लेटिनम पैलेडियम और निकेल के प्रेजेंस में, तो हमारा इससे क्या बन जाता है, लिसन, प्लस H2 अगेन प्लेटिनम पैलेडियम और निकिल के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है, तो ये भी क्या है, एल्केन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, ओके। ये पहला मेथड हो गया। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप, ओके। नाउ सेकेंड वन इज वॉट, सेकेंड वन इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इज इट क्लियर, हम एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से क्या भी कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वॉट, जिंक एंड HCl, देन एल्केन विल फॉर्म्ड। तो सेकेंड आता है जब हम एल्काइल हैलाइड को CH3Cl, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्ट विद हाइड्रोजन बाय, बिकॉज रिडक्शन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज वॉट, रिडक्शन, सो वी हैव टू एड वॉट, हाइड्रोजन टू द एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, देन वॉट विल फॉर्म ऑन हीटिंग, वी विल गेट द CH4 and CHCl। इज इट क्लियर, ओके। दिस इज द सेकेंड मेथड, मीन्स बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में, जिंक और HCl के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारा इसमें एल्केन बन जाता है। ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया, ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेते चलना साथ साथ, ताकि एक बार फिर से आप रिवाइंड कर सको, ओके ओके। नाउ थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वॉट, बाय वुड्स रिएक्शन मीन्स व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम
सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देन एल्केन विल फॉर्म्ड ओके मीन्स एल्काइल हैलाइड अगेन दिस वन इज द CH3Br अगेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल देन अगेन CH3Br सो यू हैव टू राइट टू CH3Br भी लिख सकते हैं CH3Br देन व्हाट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देन व्हाट विल फॉर्म्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr देन यू हैव टू राइट टू हेयर ऑल्सो 2NaBr एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन सो बेटा ध्यान रखना इस रिएक्शन को जब एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करती है ड्राई इथर के प्रेजेंस में तो हमारा क्या बनता है एल्केन्स बनता है और ये रिएक्शन क्या कहलाती है वुड्स रिएक्शन कहलाती है ये हमारा थर्ड मेथड था ओके नेक्स्ट मेथड फोर्थ मेथड ओके फोर्थ वन इज द व्हाट व्हेन फोर्थ मेथड इज द व्हेन डीकार्बोक्सिलेशन से भी आप बना सकते कब व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड on heating with soda lime in the presence of CaO then alkanes will formed इज इट के लिए और ये रिएक्शन क्या कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है समझ लेना क्या होगा कि जब सोडियम है पोटेशियम सॉल्ट किसका कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स CH3COOH नहीं होगा यहाँ पर सोडियम है पोटेशियम देन Na देन व्हेन वी रिएक्ट विद NaOH दिस वन इज द सोडा लाइम ओके So, what is the special name of this compound? This one is the sodium ethanoate. This one is the sodium ethanoate react with. In the presence of calcium oxide and on heating, what will form? On heating, then what will form means CH4 plus Na2CO3, this one will form. ओके तो इस कंडीशन में ये भी क्या हो गया एल्केन बन गया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझ लो फिर से जब सोडियम या पोटेशियम सोल्ट अगर पोटेशियम आएगा तो यहाँ पर के आ जाएगा CH3COOK बट यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम सोल्ट कुछ भी ले सकते हैं जब सोडियम सोल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ की जाती है कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में और हीटिंग करके हमें क्या बन जाता है एल्केन बन जाता है और ये रिएक्शन क्या कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ओके नेक्स्ट पॉइंट ये फोर पॉइंट्स हो चुके हैं एक एक पॉइंट लर्न कर लेना एग्जाम में ज़्यादा नहीं कि सारे नहीं पूछे जाते दो या तीन मेथड्स पूछे जाते हैं और जहाँ सारे भी पूछे जाएंगे तो सब लिख देना ओके नाउ फिफ्थ वन इज द बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स व्हाट
गिव्स व्हाट? एल्केन्स, गिव्स एल्केन्स। अगर हम जब क्या करते हैं सोडियम या पोटेशियम CH3COONa एंड दिस वन इज द एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन वी व्हाट इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो हमारा इससे क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान रखना इसमें क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और देव बात ध्यान रखना, दिस रिएक्शन नोन एज कोल्ब रिएक्शन। ये रिएक्शन कोल्ब रिएक्शन कहलाती है। और कोल्ब रिएक्शन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इससे जो एल्केन बनते हैं कोल्ब रिएक्शन से, उसमें हमेशा इवन नंबर में कार्बन एटम होते हैं। कैसे होते हैं? इवन नंबर में कार्बन एटम होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, इस टाइप से बनेंगे। सिंगल वाला नहीं बनेगा, जैसे पहले हमारा सिंगल बन गया था, इससे इस बार सिंगल नहीं बनने वाला। सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, ओके। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 carbon 1 or 2 carbon atoms, देन अलोंग विद द व्हाट, हाइड्रोजन गैस एंड अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वन NaOH अगेन, दिस वन विल फॉर्म, ओके। दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन फॉर द एल्केन्स। तो ये लास्ट प्रिपरेशन है, क्या है, जब सोडियम या पोटेशियम सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो हमको क्या बन जाता है, एल्केन्स बन जाता है। और एल्केन्स में क्या होंगे, इवन नंबर में कार्बन एटम होंगे, तो ये क्या कहलाती है, रिएक्शन कोल्ब रिएक्शन कहलाती है। तो दोस्तों इसका आप क्या है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ ओके, नाउ बात आती है अब नेक्स्ट पॉइंट की, हमारी प्रॉपर्टीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, वेरी गुड, एल्केन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आएगी सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी, तो भाई एल्केन्स हैं ये, सब में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो हम कहेंगे दे हैव अ कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट का मीन्स क्या हो रहा है, दे आर दोज बॉन्ड, और दोज कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की बात आती है, तो दोज कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इस कार्बन ने कहा मेरे पास कितने थे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन ने कहा भाई मेरे पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने कहा भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन, अपना कार्बन ने कहा मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर सकता हूं, क्योंकि जिसके पास जितने, अगर माना दूसरे के पास एक है, तो ये भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो, इसी शेयरिंग करने के बाद इसमें क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉनों की, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बोलते हैं, ओके। तो हम बोलेंगे इसमें क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर होता है। सेकेंड वन, अगर किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर होगा तो हम क्या कहेंगे, दे हैव अ वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस। इसमें क्या भी होंगे, वैंडरवॉल्स फोर्सेस क्या होंगे, वीक होंगे, जो इन दोनों को सी और सी को आपस में जोड़े रखेगा, जो फोर्स इसको आपस में जोड़े रखता है वो क्या कहलाता है, वो कैसे फोर्स होते हैं, वैंडरवॉल्स फोर्स होते हैं। ध्यान रखना कोवेलेंट कंपाउंड में वैंडरवॉल्स फोर्स होते हैं, और वैंडरवॉल्स फोर्स इसमें कैसे होते हैं, वीक होते हैं। नेक्स्ट वन, दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। दिस इज द मोस्ट पॉइंट, ये पानी में लेस सोल्यूबल होता है, इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता, ओके। नेक्स्ट वन, द बीपी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास। बेटा ये बहुत ध्यान रखना, जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। क्यों, अगर मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, माना पहला कंपाउंड CH4 ले लिया, दूसरा C2H6 ले लिया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, तो इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ती चली जाती है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती चली जाएगी तो इससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे पर इनका आके मास भी बढ़ रहा है। दिस वन इज द व्हाट 16 एंड दिस वन 12 to 30,
दिस वन 44 एंड दिस वन इज द 58। ओके, तो इनका धीरे धीरे पहले 16 था, 30, 44, 58 मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट वन ई, दे आर वोलेटाइल इन नेचर। दे आर वोलेटाइल इन नेचर, ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होते हैं ये वेपराइज हो जाते हैं बेटा, अगर इनको कुछ देर रूम टेम्परेचर पर रखो तो ये वेपराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ओके, क्या थोड़ी देर रखो जैसे कि पेट्रोल रखो तो वो वेपर बन जाता है। हाँ, तो वो भी क्या है, एक तरीके का एल्केन्स है। ओके, सो हम क्या बोलेंगे, क्या है वो, वोलेटाइल होता है। अगर ये लिक्विड होते हैं, अगर इनको रखें तो ये क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है द फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स आर गैसेज। 5 to 17 members are liquid and higher members are solid। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके सारे की सारी ये तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में ये पाया जाता है। अगर पहले फोर मेंबर्स क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, और 5 to 17 मेंबर्स तक क्या होते हैं, इसमें लिक्विड होते हैं, और जो हायर होते हैं जिसमें 17 से भी ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ओके, तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ वी विल डिस्कस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एल्केन्स रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट, देन एल्काइल हैलाइड विल फॉर्म, और वी कैन से हेलो एल्केन विल फॉर्म्ड। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या है कि जब CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ करते हैं, हेलोजन के साथ करते हैं, किसके प्रेजेंस में, HV के प्रेजेंस में, और वी कैन से UV लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, इसमें एल्काइल हैलाइड बन जाता है और हमारा क्या बन जाएगा, HCl बन जाता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात आती है कि पहला पॉइंट तो ये है कि जब एल्केन को हेलोजन के साथ रिएक्ट किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि when alkane burns in the presence of sufficient amount of oxygen, then CO2, water vapors, and a large amount of heat will produced। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब एल्केन्स को CH4 ले लिया, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, सफिशियंट अमाउंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, वाटर वेपर्स बन जाती है, और क्या निकल जाती है, लार्ज अमाउंट में हीट निकल जाती है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही क्या होगा, कोई भी एल्केन्स है, फ्यूल है, फ्यूल को CNG है, CNG का क्या है, मेन कॉन्स्टेंट उसका मेथेन होता है। अगर मेथेनों को अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमारा क्या होगा, कंबशन होगा, और कंबशन होने के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट निकलती है इसमें, और उसमें क्या, एनर्जी निकलती है जिससे हमारी व्हीकल्स रन करती हैं। ओके, ये हमारे टू पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ओके नाउ थर्ड पॉइंट व्हेन एल्केन्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuO copper oxide then methanol. One more thing, in the presence of copper oxide, at a temperature of 523 Kelvin, or we can say that, and 100 atm pressure, then methanol will formed. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना कि क्या होगा कि जब एल्केन की, अगर कोई भी एल्केन ले, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, और किसके प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, 523 केल्विन और 100 एटीएम प्रेशर पर, तो हमारा इसमें क्या बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर अगर क्या ले लिया जाए, दिस वन प्लस, तो अगर मेथेनॉल बन जाएगा, मेथेनॉल का अगर हम बैलेंस करेंगे COH का फोर दिन में बैलेंस, ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, देन यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, देन ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन कार्बन 2, 2, 3, 6, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 8, ओके नाउ बैलेंस, तो हमारा क्या होगा इसमें, हमारा मेथेनॉल बन जाता है। ध्यान रखना, अभी इसमें एक नई चीज़ और बढ़ने वाली है। अगेन सेकेंड स्टेप, ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन In the presence of molybdenum oxide, MO2O3, molybdenum oxide, okay, molybdenum oxide, then aldehyde, कौन सा, methanol will formed. ओके ध्यान रखो इसमें, अगर क्या होगा, CH4 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, MO2O3 के प्रेजेंस में, और हीट कर रहा है, हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, HCHO+ हमारा वाटर बन जाता है। ओके ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके ना, अंडरस्टूड। पहली बात, पहले एल्केन कॉपर ऑक्साइड और इतने टेम्परेचर, इतने 100 एटीएम प्रेशर पर रिएक्ट होता है तो हमारा मेथेनॉल बनाता है, और जब मेथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो हमारा एल्डिहाइड बनाता है। ये दो रीज़न है, इसमें ध्यान रखना इसके अंदर, ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट पॉइंट, नॉट अ वेरी इजी है, बट मैं कहूंगा केमिस्ट्री बहुत इजी है। फोर्थ पॉइंट व्हाट, व्हेन एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 then a branched chain alkanes are formed। क्या होता है भाई, समझ लो, जब एल्केन है सिंपल CH3 CH2 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 CH3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंट हो गया, और कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन नाम हो गया। तो क्या करते हैं, जब इसको एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट, तो क्या बन जाता है, ये ब्रांच चेन बना लेते हैं, CH3 CH CH2 CH3,
यहाँ पर हो गया सी एच थ्री एंड प्लस, और हम क्या भी बनाए सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, ये सी एच टू, दिस वन सी एच, दिस वन सी एच थ्री एंड दिस वन ऑल्सो सी एच थ्री। तो ये ब्रांच चेन एल्केन्स बना लेते हैं। पहले सिंपल स्टेट था, अब ये ब्रांच हो गया, कार्बन उतरे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन वही रहेंगे बट ब्रांच बन जाता है, ध्यान रखना इसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट आएगा when alkanes having more than six carbon atoms on heating at a temperature of 773 Kelvin and 10 to 20 atm pressure then a cyclized benzene will formed cyclized alkene will formed. This reaction known as aromatization और reforming, ध्यान रखना बेटा दो नाम होते हैं इसका, aromatization एंड द reforming। ऐसे alkanes जिसमें क्या होते हैं सिक्स, CH3, CH2, 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 CH2 एंड देन CH3, ऐसे कार्बन, ऐसे alkanes जिसमें सिक्स या सिक्स से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं किसके पे, सॉरी वन मोर थिंग, इन द प्रेजेंट इतना प्रेशर एंड दिस वन ऑल्सो एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज V2O3 वेनेडियम ऑक्साइड, MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, देन अ साइक्लाइज्ड बेंजीन। तो इसमें क्या होता है कुछ कंडीशन, ये सारी कंडीशन होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द 773 केल्विन टेम्परेचर 10 टू 20 एटीएम प्रेशर एंड द V2O5 वेनेडियम और पेंटोक्साइड, V2O5 दिस वे पेन वेनेडियम पेंटोक्साइड, V2O5 मोलिब्डेनम ऑक्साइड Me2O3 एंड लास्ट वन इज द वॉट क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। ये कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन में ये क्या बना लेता है, एक साइक्लाइज्ड बेंजीन बना लेता है, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, क्योंकि इससे एरोमेटिक रिंग बन गया तभी इससे क्या बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, और रिफॉर्मिंग भी इसको कहा जाता है, रिफॉर्म्स हो जाते हैं, एक साथ गोल गोल घूम जाते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हमारे क्या फिफ्थ पॉइंट था, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो इसका भी। ओके, नाउ द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। दोस्तों वीडियो कुछ बड़ी हो जाती है तो इसके लिए माफी चाहेंगे, सॉरी फॉर दैट, बट व्हाट टू डू, वी हैव नथिंग टू बी, क्योंकि आपको एक ही चीज में तीन चार चीजें एक साथ मिल जा रही हैं, तो वीडियो बड़ा हो गई, तो प्लीज दोस्तों इसमें कुछ माइंड मत करिएगा। ओके, नाउ द सिक्स पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, व्हेन एल्केन्स रिएक्ट विद स्टीम एट अ टेम्परेचर ऑफ 1273 केल्विन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म्ड। सिंपल सी क्या होगा, जब एल्केन को स्टीम के साथ रिएक्ट होती है, स्टीम का फॉर्मूला भी H2O, आइस का फॉर्मूला भी H2O, वाटर का फॉर्मूला भी H2O, तो जब 1273 केल्विन पर इसको हीट करते हैं तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारा साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है। ओके, सो दिस वन इज द 3H2, तो दोस्तों ये
हमारा क्या होता है कि जब एल्केन्स को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं एट अ टेम्प हीट करते हैं किसके टेम्परेचर पर 1273 केल्विन पर, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम बताया भी है पहले लास्ट क्लास में कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ओके तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो ट्रूली तरीके से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ एक अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।